पहला न्यूमेरिकल आज की शुरुआत हो रही है। तन को नहीं घबराना है बाबू। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में 100 और 8000 फेरों की संख्या है। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट का विभवांतर है तो द्वितीयक में कितना वोल्ट का विभवांतर होगा वो हमें हल करके दिखाना है। चलिए, प्यारा सा क्वेश्चन आपका है और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप इसको सुने बाबू, आप इसको कहेंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही मिल गया कि ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला तो उत्तर एक मिनट में आपको मिल गया। सेकेंड का है ना, सेकेंड आपका ये प्रश्न ही किया है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कौन ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं। तो जब बात ऊंचाई का करेगा तो ऊंचाई में ई कहेंगे कि इसमें जो होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, जो लो वोल्टेज को यानी जो कम वोल्टेज होता है उसको हाई वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। जबकि जो माने अपचाई होता है उसमें प्राथमिक में अधिक होती है और द्वितीयक में कम होता है। अपचाई में ये होता है, ऊंचाई में प्राथमिक कम द्वितीयक में अधिक होता है। बता सकते हैं आप, आइए हल करते हैं बाबू। कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली का मतलब 100 और द्वितीयक कुंडली का मतलब 8000। हल करते हैं इसको। अच्छा, फेरों की संख्या की बात कर रहा है तो फेरों की संख्या के अंश से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब प्राथमिक कहेगा तो पी लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, जब द्वितीय कहेगा तो एन लिखेंगे तो यस लिख देंगे, 8000 तक आ जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो गई, 100, और द्वितीय में कितना आ गया, 8000। अच्छा, आप पढ़े भी होंगे, अभी आपको जस्ट बताए थे हम कि NP बट्टा NS बराबर VP बट्टा VS। याद आ रहा है जब मारे समानुपाती होता है ऊपर यन तो ऊपर भी आई छे, अब पी तपी यस यस कहाँ निकालना है, कहाँ का दिया है, मान भरो अभी निकल जाएगा। चलिए NP का मान इधर भरते हैं, NP का मान 100 भर लो, एकदम ध्यान रख रहे हैं। NS का मान 8000 भर लो, VP का मान, अच्छा VP प्राथमिक दे दिया, देखो यहाँ बतौर से लिख देते हैं, VP का मान 120, तो 120 और VS आपको क्या करना है निकालना। अब देखो ध्यान से सब लोग, इतना डाटा भर देंगे ना तो एक काम करना है, VS को तीचाती से गुणा करो, तो VS इधर लिख लो और 120 लिख लो, गुणे हाई 8000 ऊपर चला जाएगा, 8000 ऊपर चला जाएगा, बटा में 100 नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो VS बराबर का आ गया 12/96, तो 900 900, अच्छा 2 को 0 बचा है ना, तो 9600 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। हाँ वही बात है। चलिए, अच्छा समझ में आया, बताओ सब लोग, खूब बढ़िया सवाल था आपका, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बहुत प्यारा सवाल था यार। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सब समानुपाती होता है, NP बटा NS। NP का है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, N का मतलब होता है फेरों की संख्या, और P का मतलब होता है प्राथमिक, N का मतलब होता है फेरों की संख्या, IS का मतलब होता है द्वितीयक, और VP तुम्हारी प्राथमिक कुंडली में वोल्ट था कहिए, और VS द्वितीय कुंडली में वोल्ट था कहिए। इस तरीके से आप इसको मान रख करके क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए मिटाएं इसको।